हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। उसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कर लिए हैं। और बच्चों आज हम करने वाले हैं एक और, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन बचा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और। बच्चों मैं आपको इन तीनों का मतलब समझाता हूँ, इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये लिखा हुआ है ए एंड डी। क्या लिखा हुआ है? ए एंड डी। ओके, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है और। क्या होता है इसका मतलब? और। ठीक है, यानी कि और का मतलब कब यूज किया जाता है, मतलब दो सेंटेंसेस को जब जॉइन किया जाता है और वहाँ उसका मतलब क्या निकले? और निकले। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये ब्यूटी बट, इसका मतलब होता है बच्चों लेकिन। ठीक है, ब्यूटी बट इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेकिन। क्या होता है इसका मतलब? लेकिन। ओके, लेकिन। और बच्चों ये जो और होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है या। क्या होता है इसका मतलब? या। ये जो आप देख रहे हो इसका मतलब होता है या। ठीक है, यानी जब हमें दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना हो। ठीक है, कि जैसे कि तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, दोनों में से कोई एक। ठीक है, और लेकिन का मतलब, जैसे मान लो वह गरीब है लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करता है। समझ में आ रहा है? और का मतलब, जैसे कि आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग, मुझे दोनों चीज़ पसंद है। जब दोनों को चुनना हो, जब दोनों चीज़ चाहिए तो और लगाते हैं, दोनों में से कोई एक चाहिए तो या, यानी और लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब एक चीज़ ये है तो दूसरा इसका उल्टा होता है। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका मीनिंग ध्यान में रखते हुए बच्चों इस एक्सरसाइज को अभी हम फिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यू ई वी वेंट टू द स्टेशन। अब आपको यहाँ पे मतलब समझना होगा, इसका क्या मतलब है? वी वेंट टू द स्टेशन। वेंट, वेंट का मतलब होता है गए। वेंट का मतलब क्या है? गए। ओके, वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन पर गए। अब इसका मतलब देखना, द ट्रेन हैड गॉन, और गाड़ी, रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब इसका मतलब क्या होगा सही? कि हम स्टेशन पर गए और गाड़ी जा चुकी थी, या फिर हम स्टेशन पर गए या गाड़ी जा चुकी थी। अब इसका भी कोई प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। हम स्टेशन पर गए लेकिन गाड़ी जा चुकी थी। अब आप समझ रहे हो ना, कौन सा फिट बैठ रहा है इसमें? इसमें बैठ रहा है लेकिन।
कि हम स्टेशन पर गए लेकिन ऐसा हुआ कि गाड़ी निकल गई, है ना। मान लो आप किसी को बताओ तो आप ऐसे तो बताओगे कि भाई मैं ना स्टेशन पर गया था लेकिन ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, बट, क्या भरेंगे इसमें, बट। समझ में आ रहा है, बट आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, वर्क इन डे यानी दिन में काम करते हैं। आगे देखो, स्लीप एट नाइट, रात को सोते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अगर हम देखते हैं तो क्या निकलेगा, देखो। ज्यादातर काम दिन में काम करते हैं या रात को सोते हैं। अब इसका तो कोई क्या मतलब निकल रहा है भाई, कि ज़्यादातर लोग दिन में सोते हैं मतलब दिन में काम करते हैं या रात को, या फिर ये भी नहीं होगा ज़्यादातर लोग दिन में काम करते हैं लेकिन रात में सोते हैं, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, द मोस्ट पीपल वर्क इन डे, एंड स्लीप एट नाइट, ज़्यादातर लोग दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं। सही बात है। तो इसमें भी बच्चों हमें क्या लगाने की ज़रूरत है, एंड, क्या लगाएंगे, एंड। ठीक है, क्या भरेंगे इसमें, एंड और। ठीक है, और बताने के लिए आगे देखो, द बस वॉज क्राउडेड, क्राउडेड मतलब खचाखच भरी हुई थी, मतलब बस जो है उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी। ठीक है, तो भीड़ भाड़ मान लो है तो उसमें जाना इतना आसान नहीं है, है ना। आई मैनेज टू गेट इन, ठीक है, लेकिन मैंने अंदर, मैं किसी भी तरह से अंदर चला गया। तो इसमें क्या है कि मतलब बस में हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन फिर भी मैं अंदर गया किसी तरह से। ठीक है, यानी बस में चढ़ गया किसी से, किसी भी प्रकार से। तो इसमें क्या आएगा, बट आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना, तो क्या भरेंगे इसमें, बट। ओके, और देखो आगे, ऑन ए वार्म समर डे, गर्मी के, वार्म समर डे मतलब गर्मी के तपते हुए दिन में, विल यू वियर, क्या तुम पहनोगी, अ ब्लैक शर्ट, और ए वाइट शर्ट, मतलब क्या निकल रहा है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कि आप गर्मी के दिन में आप क्या पहनोगे, ब्लैक शर्ट पहनोगे या वाइट शर्ट पहनोगे, है ना। तो दोनों में से, ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट में से कोई एक आपको चूज करना है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, या लगाते हैं ना जब हम चूज करते हैं दो चीज़ों में से। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, या, कि भाई या तो ये और या फिर ये, इस तरह से। तो हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो, और मैंने बताया था या, और आगे देखो, आई वॉन्टेड टू बाई अ न्यूज पेपर, मतलब वॉन्टेड, वॉन्ट यानी चाहना और वॉन्टेड यानी चाहता था, पास्ट। आई वॉन्टेड टू बाई, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था। आगे देखो, डिड नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है कि मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। सही बात। ओके, आगे देखो, वी वेंट होम, हम घर गए,
हम घर पहुंचे, ठीक है, एंड एंड प्लेड कबड्डी, और क्या खेले, कबड्डी खेले हम, यानी हम घर पहुंच करके कबड्डी खेले, हम घर गए और एंड। अब देखो नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंड मदर जो है वो 80 साल की हैं, ओके, हर आईज आर स्टिल शार्प, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो अभी भी तेज हैं, अभी भी शार्प हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है कि द ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, कि ग्रैंड मदर जो है 80 साल की हैं, लेकिन फिर भी वो, उनकी आंखें जो हैं वो शार्प हैं, है ना। आगे देखो, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको बुलाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बट विल यू टेक मिल्क, तुम मिल्क लोगे या लस्सी लोगे, तो दोनों में से कोई एक चूज करवा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, और क्या आएगा इसमें, और, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है, ओके, और ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है और फिर फेयर नोटबुक के अंदर करना है आपको, ठीक है, ओके, सो थैंक यू।